राधे राधे दोस्तों, तो मेरे नए चैनल में आप लोग का स्वागत है। और तो यहाँ पे जो है अभी नया वीडियो शुरुआत हो गया है, तो नए वीडियो की शुरुआत कुछ मैंने हटके की है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं नए साल की नए वीडियो की जो शुरुआत है अलग करूँगी, मतलब 2024 से जो भी मेरी वीडियोस आएंगे उसकी शुरुआत राधे राधे से होगी। तो स्टार्ट कर दिया है उनका नाम लेके, तो चलो भगवान का नाम लेके शुरू किया है तो ज़रूर सब कुछ आगे होगा। जब इतना आप लोग मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाए हो तो और भी सपोर्ट आप लोग करके मुझे और आगे पहुँचाइए। तो आज है सैटरडे और अभी रात का समय हो रहा है, अभी रात के बज रहे हैं 7:30-8 बज रहे होंगे शायद से। और यहाँ पे डिनर बनता है, तो डिनर में आज बनता है फारा। जी हाँ, तो फारा तो उसको बहुत जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है और मेरे घर में हमेशा बनता ही है वो ज़्यादातर, तो क्योंकि सभी का फेवरेट है तो बनेगा ही, जाहिर सी बात है। तो फारा बन रहा है और राइस बन रहा है और कढ़ी बनेगा। कढ़ी मीन्स की जो फारा में जो दाल दाल के बनाते हैं उसी का ही सब्जी बन जाएगा। तो इस तरीके से डिनर आज बनने वाला है। और आज है सैटरडे और आज है 13 तारीख और आज है जो मेरी खिचड़ी भी मायके से आ गई है। तो भैया आए थे और खिचड़ी देखे गए। खिचड़ी मीन्स की मायके से जो है लड़की के लिए सामान आता है, तो सामान में वही सब रहता है जो खिचड़ी में लगता है। जैसे यूपी वाले लोग तो समझ जाएंगे कि खिचड़ी क्या होता है, बाकी जो लोग उनको नहीं पता होगा खिचड़ी मीन्स क्या। खिचड़ी मीन्स वो राइस दाल वाली बना के नहीं, खिचड़ी मीन्स की लड़की की तरफ से आता है, मतलब लड़की के मायके से आता है, घर से आता है उनके। तो जैसे कपड़ा रहेगा, लाई रहता है, कुरमुरा रहता है, लड्डू रहता है, बहुत सारी जिसको जैसे जिसके यहाँ रीति रिवाज उस हिसाब से सारी चीज़ें आती है। और चावल रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मायके से आती हैं तो उसी को बोला जाता है खिचड़ी। तो वही खिचड़ी मेरे मायके से आई थी, तो बहुत खुशी हूँ। और तीनों बहनों को पहुँच गई है खिचड़ी, तो थैंक यू सो मच भैया कि टाइम पर हर चीज़ जो है जाता है। और अभी हमारी ननन जी क्या नहीं क्या है तो वो भी जाएगा। तो मंडे को है खिचड़ी, मतलब मकर संक्रांति यूपी में बोला जाता है खिचड़ी, और यहाँ के मुंबई स्टाइल में बोला जाता है मकर संक्रांति। और बहुत जगह अलग अलग नाम से त्यौहार को इसको मनाया जाता है। तो अभी वही है, तो मैंने वीडियो की शुरुआत कर ली है और मैंने बोला चलो शुरुआत करती हूँ। और मकर संक्रांति की क्या क्या तैयारियाँ हैं, कैसी है और क्या क्या करना चाहिए और मैं किस तरीके से कर रही हूँ मकर संक्रांति, क्योंकि नए साल का नया त्यौहार पहला त्यौहार होता है और 2024 का ये पहला त्यौहार है, मतलब मकर संक्रांति अपना पहला त्यौहार होता है। तो उसकी तैयारी में किस तरीके से कर रही हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, सब कुछ बताऊँगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूँ फारा वाली। तो ये फारा का जो है बैटर है, जिसको चने की दाल और उड़द की दाल से बनाया जाता है। इसके अंदर जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची और पीस के पेस्ट बनाया जाता है और हरा धनिया ऊपर से डाला जाता है। तो यहाँ पे फारा जो है भाप से बनता है, बहुत लोग बहुत तरीके से, पर इसको भाप से ही बनाया जाता है। बहुत लोग के यहाँ छोटा फारा बनता है, बहुत लोगों के यहाँ बड़ा फारा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अभी ये बन रहा है और बन के इसको इस तरीके से जैसे हम लोग मोदक भाप करके बनाते हैं वैसे इसको भाप में पकाना है। तो चलिए यहाँ पे भाप से हो रहा है फारा और यहाँ पे राइस हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मम्मी अपने कामों में लग गई हैं। तो यहाँ पे बैटर और यहाँ पे चावल का आटा, तो इसमें फारे में चावल का आटा लगता है, उसको अच्छे से गूंध के इस तरीके से पूड़ियाँ बना के और उसके बाद इसको भरा जाता है। तो ये प्रोसेस ये मम्मी करती हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो मम्मी यहाँ पे फारा बना रही है और अक्सर मम्मी ही फारा बनाती है, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ फारा, क्योंकि मम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है। मम्मी के हाथ का, जब मम्मी है तो फिर मैं क्यों करूँ, मतलब मैं क्यों करूँ मैं इसके साथ, कि मम्मी के हाथ का अच्छा लगता है, मम्मी अच्छा बनाती इसके लिए तो हम लोग खा लेते हैं। आज मैंने बहुत सारा काम निपटाया है, जैसे कि आज गरम मसाला वगैरह सब एक डिब्बे में मैंने रखा, बहुत सारा काम था। घर गृहस्थी के अगर काम में घुसे तो कितनी सारी चीज़ें रहती है करने के लिए। मम्मी अपने कामों में लगी थी, मैं अपने, और मम्मी के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं। गुस्सा होती है, अभी भी हमारा खिच 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 हुआ था, बट कोई बात नहीं, जहाँ दो बर्तन है तो आवाज़ आएंगी, सास बहू है तो झगड़े तो होंगे ही, बट हम लोग एक हो जाते हैं, है ना मम्मी। यहाँ देखा ना, कहाँ देखी, यहाँ कैमरे में देखा। अब बोला क्या हमने के बीच में भी झगड़ा होला कि ना होला, हाँ झगड़ा होता है बहुत होता है, पर हम लोग एक हो जाते। अब मैं मम्मी के बिना तो नहीं रह सकती हूँ, मम्मी मेरे बिना भी नहीं रह सकती हूँ। जब मैं कहीं चली जाती ना, मम्मी बोलती अरे घरवा खाली लगा था, निकना लगा था, रहे ले भले बोले ले पर अच्छा लगा ला।
तो सेम मम्मी के बिना मैं भी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत सपोर्ट करती हूँ। आपको पता है कि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, जॉब वूमन हूँ, मतलब जॉब भी करती हूँ, यूट्यूब का भी काम रहता है और घर के भी। तो मम्मी उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, रियली बोलूँ बहुत सपोर्ट करती हैं यार, इतने एज में भी इतना ये काम करती हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि करती हैं, बट मुझे सुनाती भी हैं। पर कोई बात नहीं, जब करेंगी तो सुनाएंगी, बट चलता है। तो पर देख, इसमें वीडियो में नहीं कि मैं ऐसे बोल रही, बट रियली मैं मम्मी बहुत सपोर्ट करती हूँ, उनके वजह से ही मैं जॉब कर पाती हूँ, उनके वजह से मैं वीडियो में भी यूट्यूब पे काम कर पाती हूँ, उनके वजह से ही मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, वरना तो मैं नहीं कर पाती। अकेले बस की तो मेरी बात नहीं है कि मैं जॉब करूँ, फैमिली देखूँ, यूट्यूब देखूँ, मैं नहीं कर पाती, रियली बोलती हूँ मैं नहीं कर पाती, पर मम्मी के सपोर्ट की वजह से तो हो जाता है सब कुछ मेरा। तो इसी तरीके से है, सास बहू का चलता रहता है, नोक झोंक प्यार मोहब्बत सबके घर में चलता है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसे क्या चलता है, आप लोगों का चलता है कि नहीं झगड़ा वगड़ा। तो कल ना अभी मकर संक्रांति है, तो बहुत सारा काम है, थोड़ी घर की सफाइयाँ भी करनी है। वैसे भी आप अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, कुछ दिन पहले हमने घर की बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी, बट मकर संक्रांति मतलब खिचड़ी है, साल का पहला त्यौहार है, तो भाई थोड़ी सी सफाई तो बनती है। तो थोड़ा सा किचन वगैरह मुझे साफ़ करना है, कर्टन्स वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करना है, वो सारे काम निपटाने हैं, तो वो भी करूँगी मैं फटाफट। और कल है संडे, कल ही करूँगी, आज तो कुछ नहीं, आज तो बाकी जो काम था वो मैंने किया, निपटाया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से डिनर भी चल रहा है, बातें भी चल रही, वीडियो भी शुरुआत कर लिया है, और मुझे बनाना है एब्रो। आप देख सकते हैं एब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मकर संक्रांति भाई खिचड़ी है, पार साल का पहला त्यौहार है, तो कुछ तो अपने लिए भी करना ही है, बट आज कुछ नहीं। और आज तो वीडियो की शुरुआत की हूँ, कल आपको सब कुछ देखने मिलेगा, जैसे घर की सफाई थोड़ी सी हल्की फुल्की मैंने कैसे किया है, और बाकी मैं अपने चेहरे के लिए क्या कर रही हूँ, चमकने के राज, वो सब आपको शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा प्यारा सा फिश टैंक, जिसमें प्यारी प्यारी सी फिश है, आप देख सकते हो, ये लोगों देख लेते ना पूरा दिन अच्छा जाता है मेरा, खेलते हैं ये लोग भी। तो चलो मिलते थोड़ा टाइम बाद। तो फ्रेंड्स, जो है मैंने गरम अखे मसाले लिए थे, तो इस तरीके से मैंने उसको डब्बे में सेट कर दिया है, जैसे काली मिर्च, इसमें बड़ी इलायची और ये चक्री वाला फूल है, छोटी इलायची है हरी वाली, आप देख सकते हो, लौंग है, ये काला वाला फूल है, दालचीनी है, और ये लाल वाला फूल, और ये है शाही जीरा, और बाकी कुछ मसाले हैं जैसे जीरे वगैरह हो गया, जीरा हो गया, मेथी हो गया, पचफोरन, ये सब अलग डब्बे में। तो इस तरीके से रखने से क्या होता है, आपको एक ही डब्बा उतारोगे और सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने सब आज बैठ के आराम से पूरे डब्बे को अच्छे से किया, और आज ही मैंने ये पूरे मसाले ख़त्म हो चुके थे जो मैंने आज ही लिए, और इसको आज ही सेट कर दिया, तो एक काम निपट गया मेरा। तो किचन में ये सब भी काम देखने पड़ते। अब यहाँ पे ना मैं मसाला पापड़, मतलब जो हम लोग होटल में जाते हैं पहले ही बोलती है पापड़ चाहिए एकदम सैलेड के साथ वाला, तो वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी चटनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सादा सिंपल सा बना रही हूँ, यहाँ पे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने ना ये पापड़ को जो है तवे पर अच्छे से सेक लिया थोड़ा सा तेल से, और अब इसको जो है अच्छे से तलने के बाद पापड़ को अच्छे से पकाना है, इसके ऊपर कांदा डाल देना है, आपको अगर पसंद होगा तो आप हरी चटनी, इमली की चटनी ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं बारीक जो है टमाटर प्याज को ऐड करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी यहाँ पे। तो ये एकदम सिंपल सा बना रही हूँ, मतलब अभी तक खाई भी ना खाई है ये खाई ना। और यहाँ पे भी जो है चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर से डालूँगी, ये देख सकते हैं पूरा। और अगर आपको मिर्ची खानी है तो मिर्ची पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ मैं। और चलिए थोड़ा सा बारीक सेव वगैरह डाल देते हैं, आप जो भी नमकीन वगैरह डालना है आप डाल सकते हो, बहुत तो अच्छा है अगर शाम के नाश्ते के लिए, और अगर खाने के पहले भी आप इसे खा सकते हो, बड़े बड़े होटलों में जो है पहले ही दिया जाता है। यहाँ पर देखो, तो ये बारीक जो है सेव इस तरीके से ऊपर से डाल दिया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं जो है ये मसाला वाला चना भी ऐड करूँगी, एक्चुअली मैंने दोपहर में भी बनाया था, अभी पापा आ गए तो पापा के लिए भी बना दें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मसाला पापड़ बन के रेडी है। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, आप भी बना सकते हो, अगर बहुत तेज़ भूख लगी तो इस तरीके से आपको करना है पूरा।
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ। आप देख सकती हूँ इयररिंग्स वगैरह चेंज कर लिए और ब्लैक कलर की आज मैंने साड़ी पहनी है। और आज है संडे मॉर्निंग का, अभी बज रहा है आफ्टरनून के अभी बज रहे एक, और मैं रेडी हो गई हूँ। घर के काम करते करते इतनी ज़्यादा लेट हो गए, और आज मैंने पूरी घर की सफाई की, कर्टन्स वगैरह चेंज किए, सारा सब कुछ हो गया है। अब मैं रेडी होके जा रही हूँ मेरी ननन जी के यहाँ खिचड़ी पहुँचाने। जी हाँ, तो कल है 15 तारीख, कल है मकर संक्रांति, खिचड़ी तो हमारी भी यहाँ से, मतलब मेरी ननन लोग के यहाँ जाएगा खिचड़ी, तो वही जा रही हूँ, अभी निकल रही हूँ फिलहाल। तो 1 बज रहे हैं और काफ़ी दूर जाना है, तो टाइम तो हो गई। और बैंगल्स वगैरह भी चेंज कर लिया, ब्लैक कलर की साड़ी पर ब्लैक कलर का बैंगल, तो इस तरीके से रेडी हो गई फटाफट जाने के लिए। जैसा तैसा हुआ वैसे रेडी हो गई हूँ। तो चलिए फटाफट खिचड़ी पहुँचा देते हो। थोड़ा सा मेरे घर को मैंने कैसे अच्छे से रखा वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। देख सकते हो इस तरीके से पूरा आज कर्टन्स वगैरह मैंने चेंज कर लिया है। ये वाला पिंक वाला लगाया है, यहाँ पे ये ब्राउन वाला कर्टन, इसके मैचिंग का मुझे लेना है बट बाद में लूँगी। और इस तरीके से पूरा टाइल्स वगैरह मैंने पोंछ दिया है। सो बेडशीट का भी जो सोफे का है कवर, इस पर भी कर दिया। ये दीदी के यहाँ जा रही, इसके लिए सामान इस तरीके से पड़ा है। ये देखिए आप सकते हैं ना, ये पूरा चादर वगैरह ऐसे चेंज कर दिया है, ये पूरा पूरा साफ। यहाँ पे भी कर्टन वगैरह मैंने चेंज कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पूरा फूल मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था। और ये मेरा प्यारा सा मंदिर, और ये टेबल का भी कवर जो है आज मैंने चेंज कर दिया है। और बाकी मंदिर वगैरह कल मैं अच्छे से साफ करूँगी। और ये देखिए पूरा अच्छे से ये मैं भी टेबल पर ये कपड़ा डाल दी हूँ। और किचन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने पूरा किचन मैंने पूरा धो दिया है, पूरे डब्बे डुब्बे से लेकर हर चीज़ मैंने। और ये स्टैंड भी बर्तन का आज मैंने पूरा धो दिया था निकाल कर। इस तरीके से किचन पूरा मेरा सेट हो गया, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। नीचे का भी प्लेटफॉर्म अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है पूरा। तो फाइनली मेरे घर का जो मकर संक्रांति का जो है तैयारी अच्छे से हो चुकी, मेहनत के बाद मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो चलिए फिर आगे आप लोगों को मिलती हूँ दीदी के यहाँ। फ्रेंड्स, मैं दीदी के घर से आ चुकी हूँ कब का, और आते आते मार्केट में जो है सारी चीज़ें भी लेकर आई हूँ जो कल मकर संक्रांति में लगने वाली है। तो अभी जस्ट आ रही हूँ मार्केट से, अभी बज रहे हैं शाम के 7 या 7:30 हो रही है, रात होने आ गई। अभी डिनर कुछ भी नहीं बनाया, बनाना बाकी है एक्चुअली, कपड़ा धोने इसके लिए आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर चलिए आपको बता देती हूँ क्या क्या आया है, मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गट्टा, इसमें है कुरमुरा, और ये है चूरा, चूरा है, कुरमुरा है, और ये सारी चीज़ें हैं, लड्डू है, और ये मीठा वाला है, और तो ये है, ये भी लड्डू, ये भी लड्डू, तो बस। और ये चिक्की है, दो टाइप की चिक्की है यहाँ पे, नहीं एक ही टाइप की, दो टाइप की है, हाँ दो टाइप की चिक्की है इस तरीके से, ये देख सकते हो पूरा। और इसमें कल खिचड़ी बनाने के लिए मटर वगैरह लेकर आई हूँ, धनिया वगैरह लेकर आई हूँ। और यहाँ पे गुड़ और काली मिर्च भी लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जा रही हूँ कुछ बनाने, तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नहीं करिए ना, सही चिक्की बनाए वाला लोकत हो वैसे। तो सॉरी फ्रेंड, मैंने वहाँ दीदी के यहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम बस दिए और दे के बस आधा घंटा रुके और निकल आए और फिर अपने कामों में लग गए। तो चलिए डिनर में क्या बनेगा क्या वो आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका था, मतलब नाइट रूटीन जितना रहता है वो कंप्लीट करके घर के सारे काम निपटा कर उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने बोला चलिए अब अपने चेहरे के लिए भी कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं शाम को जाके आईब्रो बनवा के आई थी पार्लर से, तो अपने कामों को करने के लिए अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ता है। फिर मैंने बोला थोड़ा सा चलिए, बहुत दिन से मैंने स्क्रब पैक नहीं यूज़ किया था फेस पे, तो वो भी कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो हिमालय का स्क्रब और पैक है, जब भी मुझे कुछ थोड़ा टाइम मिलता है अपने स्किन के लिए कुछ करने के लिए, तो ये मैं थोड़ा सा जो है स्क्रब और पैक लगा लेती हूँ। ये लगाने से ना फ्रेंड आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आता है, जो भी गंदगी डस्ट रहती हूँ निकल जाती है, थोड़ा सा चेहरा क्लीन हो जाता है।
तो इसके लिए यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिज़ी लाइफस्टाइल है भाग दौड़ की, तो हम ना अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा चेहरे पे ग्लो भी हो जाता है और पहली बार तो चेहरा अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना है आपको, 10-10 रुपये का पाउच जो है हिमालय का स्क्रबर पैक का मिलता है, तो आप चाहे तो हफ्ते में उसे 1 से 2 बार ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, फेशियल से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं स्क्रब सबसे पहले तो जो भी यूज़ करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लो, उसके बाद ही अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करो तो वो अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्क्रब किया, स्क्रब को अच्छे से मैंने अपने चेहरे पे थोड़ा थोड़ा लगा कर और पानी थोड़ा थोड़ा लगा के हाथ को अच्छे से भिगा कर फिर मैंने इसे स्क्रब किया। स्क्रब करने को आपको समय देना है करीबन 3 से 4 मिनट आपको स्क्रब में टाइम देना है फ्रेंड। हल्के हाथों से स्क्रब करने के बाद उसको अच्छे से मैंने जो है चेहरा वॉश कर लिया पानी से। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नीम फेस पैक जो हिमालय का है। अब ये जब तक हमें चेहरे पे लगा के रखना है जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए पैक, फिर उसके बाद ही आपको चेहरा वॉश करना है। चेहरा वॉश करने के बाद आपको जो है ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपको एलोवेरा जेल लगा कर और छोड़ देना है तो वो अच्छा रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट आता है। और हमेशा याद रखिए अगर आप चेहरे पे कुछ भी लगा रहे हो तो आपको इसी तरीके से मतलब एलोवेरा जेल ज़रूर लगाइए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को मिलती हूँ मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।